हेलो, मेरा नाम वासिफ है। मुझे फिरजी के बारे में क्लास सिक्स में मेरे सीनियर्स से पता चला और उस टाइम मुझे भी काफ़ी ITJEE के बारे में एक्साइटमेंट था और जोश था, जिसके लिए मैंने फिरजी का FTRE एग्ज़ाम क्लास सिक्स में दिया और सेवन्थ में ODR टू ईयर क्लासरूम प्रोग्राम के अंडर एनरोल हो गया। ये एज तो बहुत कम लगती है फिरजी ज्वाइन करने की या इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे IT की प्रिपरेशन करने की, बट क्लास सेवन से मुझे फिरजी जाने में ये फ़ायदा हुआ कि मैं पोस्टर्स में अपने सीनियर्स का नाम देखता था कि उन्होंने RMO INMO ओलम्पियाड्स में अचीवमेंट है उन लोग के, तो उस वजह से मेरे अंदर भी जोश आता था। ये मेरी क्लास सेवन्थ एट की फिरजी जर्नी काफ़ी स्मूथ रही और इसलिए मैंने क्लास नाइन्थ में फिरजी फोर ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में दोबारा एनरोल किया। इस प्रोग्राम में एनरोल करने के पीछे मेरा टारगेट जूनियर साइंस ओलम्पियाड था और उसमें मुझे सक्सेस मिली। मैंने NSCJS क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ दो बार क्वालिफाई किया। उसके अलावा मैंने और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स में कामयाबी हासिल की। इस वजह से मैंने क्लास इलेवेंथ में फिरजी में के टू ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में स्विच ओवर किया और इस बीच भी मुझे काफ़ी कामयाबी मिली। मैंने KVPY SA स्ट्रीम क्वालिफाई किया और मैंने RMO में स्टेट रैंक 5 लाई। फिरजी की हेल्प से मुझे क्लास टेंथ बोर्ड में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। मैं CGPA 10 मैंने स्कोर किया। क्लास इलेवेंथ में जैसे ही मैं आया, मैंने देखा कि फिरजी का इनपुट हम लोग की तरफ काफ़ी बढ़ गया और हम लोग को काफ़ी अटेंशन देने जाने लगा। हम लोग का एक स्पेशल बैच बनाया गया था, संकल्प बैच, जिसमें और बच्चे जो फोकस थे उन लोग को एक साथ रखा गया। इससे काफ़ी हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हम लोग के अंदर डेवलप हुई। हम लोग के वीकली टेस्ट होते थे जिससे हमें अपना लेवल पता चलता था और हमें पता रहता था कि कौन से कॉन्सेप्ट में हम वीक जा रहे हैं, तो इससे हमारी पाथ एकदम क्लियर थी कि हमें ये करना है इतने टाइम के अंदर। फिरजी की प्लानिंग काफ़ी अच्छी रहती थी और इन डेटा एनालिसिस रेगुलर टेस्ट की मदद से मेरी JEE में काफ़ी अच्छी रैंक आई है, जिसके लिए मैं तहे दिल से फिरजी रांची को शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू।